आइए सुनते हैं आज की कहानी सेठ कंजूसी लाल। एक थे सेठ कंजूसी लाल। वैसे नाम तो उनका सेठ दया शंकर था, लेकिन वो स्वभाव से अत्यधिक कंजूस और चालाक प्रवृत्ति के थे। अपनी जेब का एक पैसा भी खर्च न करना उनकी जन्मजात आदत थी। एक एक पैसे को वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते थे, और यदि इत्तफाक से कोई पैसा खर्च करना पड़ जाए तो समझ लीजिए उनकी जान ही निकल जाती। बस यही वजह थी कि लोग उन्हें सेठ दयाशंकर के स्थान पर सेठ कंजूसी लाल के नाम से पुकारने लगे थे। सेठ जी के ही गांव में पंडित भगवान दास नाम का एक वृद्ध और कमजोर ब्राह्मण भी रहा करता था, जो अकेले ही पूरे गांव की पंडिताई किया करता था। सेठ जी के घर में भी पंडित भगवान दास ही सारे धर्म कर्म और तीज त्योहार के कार्य निपटाने जाता था। वो मजबूरी में सेठ जी के घर चला तो जाता था, लेकिन उसका मन सेठ जी की तरफ से काफी शुभ रहता था, क्योंकि कभी भी सेठ जी ने उसे दान दक्षिणा के मामले में प्रसन्न नहीं किया और हमेशा उसके लेन देन में कटौती और हील हुज्जत की। पंडित भगवान दास के दो जवान बेटे थे। संयोग की बात थी कि दोनों लड़के जुड़वा पैदा हुए थे। वे इसलिए दोनों के रंग रूप कद काठी शक्ल सूरत व हाव भाव में लेश मात्र भी भिन्नता नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को अक्सर उन्हें पहचानने में धोखा हो जाता था। कोई धर्म को कर्म तो कर्म को धर्म समझ बैठता था। गांव के और लड़कों की तरह ही धर्म और कर्म भी बेहद हसोड़ और शरारती थे। वे सदैव ही इस टोह में रहते कि कब कोई ऐसा अवसर हाथ लगे कि सेठ जी को चपत लगाकर उन्हें उनकी कंजूसी का एहसास कराया जाए। समय का चक्र अपनी गति से घूम रहा था कि एक दिन अचानक लंबी बीमारी के कारण पंडित भगवान दास स्वर्ग से धार गए। उनके मरणोपरांत उनकी पंडिताई का कार्य उनके बड़े लड़के धर्म को संभालना पड़ा। उसके बाद एक दिन अचानक धर्म को संदेश मिला कि उसे सेठ जी के घर पूजा करने के लिए जाना है। सेठ जी का संदेश मिलते ही धर्म की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसे इसी दिन की प्रतीक्षा थी। ये सोचकर कि सेठ जी को सबक सिखाने व उनको चपत लगाने का इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं मिलेगा, वो मन ही मन प्रसन्न हो उठा और उसने सहर्ष सेठ जी का संदेश स्वीकार कर लिया। अपने निर्धारित दिन व समय के अनुसार धर्म सेठ जी के घर पूजा करने के लिए पहुंच गया और पूजा पाठ आरंभ कर दिया। पूजा पाठ समाप्त होने के पश्चात सेठ जी ने अपनी आदत के अनुसार धर्म को भोजन आदि ग्रहण करने का आग्रह किया। धर्म को इसी समय की प्रतीक्षा थी, इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ क्यों, बिना भोजन किए क्यों, हम जा भी कैसे सकते हैं, और भोजन करने के लिए बैठ गए। सेठ जी ने उनके लिए भोजन का थाल मंगवाया। साधारण भोजन देखकर धर्म ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, ये क्या सेठ जी, आज तो खुशी का अवसर है, ऐसे खुशी के अवसर पर भी आप ब्राह्मण को साधारण भोजन कराकर भेज देंगे। धर्म की बात पर सेठ जी मन ही मन शुभ्ध हो उठे, लेकिन उसे नाराज न करने की इच्छा से बनावटी हंसी हंसकर बोले, नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है, आप जैसा भोजन आदि करना चाहेंगे मैं वैसा भोजन आपको मंगवा दूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप असली घी से निर्मित शुद्ध भोजन के अतिरिक्त रबड़ी, मिष्ठान और 3-4 किस्म के फल आदि मंगवा दीजिए, धर्म ने कहा। इतना सब कुछ सुनते ही सेठ जी को चक्कर आ गया। वो आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोले, पंडित जी आप इतना सारा सामान अकेले खा सकेंगे? इस पर धर्म हंसकर बोला, सेठ जी ये तो बहुत कम है, मेरी खुराक तो इससे भी ज्यादा है। धर्म की बात पर सेठ जी दांत निपोड़ते हुए बोले, जी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है कि नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आप परेशान न हो सेठ जी, मैं वचन देता हूँ कि यदि मैं आपका लाया सारा सामान नहीं खा पाऊंगा तो बाकी के सामान की कीमत आपको अदा कर जाऊंगा। कीमत की नाम सुनते ही सेठ जी मन ही मन प्रसन्न हो उठे और बोले, ठीक है तो मैं अभी सारा सामान मंगवाता हूँ। थोड़ी ही देर में एक बड़ा सा स्वादिष्ट भोजन का थाल धर्म के सामने आ गया। थाल आते ही सेठ जी बोले, लीजिए पंडित जी, अब तो आपकी इच्छा अनुसार भोजन आ गया, अब तो शुरू कीजिए। तभी धर्म ने कहा, सेठ जी मैंने तो आपकी शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन मैं भोजन तभी करूंगा जब आप भी मेरी एक दो शर्त स्वीकार करेंगे। शर्त? कैसी शर्त? सेठ जी ने चौंक कर पूछा। घबराइए नहीं सेठ जी, मेरी कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है, मेरी शर्त सिर्फ ये है कि यदि मैंने ये सारा भोजन समाप्त कर दिया तो आप मुझे 100 रुपये नाम बतौर देंगे, और अगर नहीं कर पाया तो मैं आपको बदले में 200 रुपये दूंगा, लेकिन इसके अलावा मेरी एक और शर्त होगी। क्या? सेठ जी ने चौंक कर पूछा। यही कि आधा भोजन करने के बाद मैं 10-15 मिनट के लिए बाहर घूमने जाऊंगा और बाकी का भोजन लौटकर करूंगा। सेठ जी ने मन में सोचा, 15 मिनट तो क्या, अगर ये आधा घंटा भी घूम आएगा
तो भी इतना सारा भोजन समाप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने सहर्ष उसकी शर्त स्वीकार कर ली और बोले, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप भोजन करिए। तो ठीक है, आप 100 रुपए निकालकर थाली में रख दीजिए। धर्म ने भी अपनी जेब से 200 रुपए निकालकर थाली में रख दिए। धर्म को देखकर सेठ जी ने फौरन अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और थाली में रख दिया। आधा भोजन समाप्त कर लेने के पश्चात धर्म अपनी शर्त अनुसार घूमने के लिए बाहर चला गया और सेठ जी के घर से निकलते ही वो दौड़कर अपने घर पहुंचा और घर जाते ही उसने अपने कपड़े उतारकर करम अपने छोटे भाई को पहना दिए और उसे सब कुछ विस्तार से समझाकर सेठ जी के घर भेज दिया। करम ने सेठ जी के घर पहुंचकर धर्म का बचा आधा भोजन क्षण भर में चट कर दिया और पेट पर हाथ फेर कर बोला, सेठ जी मैं अपनी शर्त जीत गया, इसलिए ये रुपये मेरे हो गए। कहकर उसने थाली में रखे रुपये उठाकर अपनी जेब में रख लिए और उठकर अपने घर का रास्ता पकड़ लिया। ये सब देखकर सेठ जी हतप्रभ रह गए थे। इस समय उन्हें अपने आप पर बेहद क्रोध आ रहा था, लेकिन बेचारे कर क्या सकते थे, पंडित या ब्राह्मण को तो नाराज नहीं कर सकते थे।